Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. विजय बैतू की धमकी देने का मामला था, क्या मामला था और क्या कार्रवाई की थी? ये 30 अप्रैल को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के वहाँ से एक परिवाद आया था, जिसमें ये स्पष्ट हुआ था कि एक लड़का है जिसका नाम वीर सिंह, पिताजी का नाम खुमान सिंह है, जो आईनाथ का तला मीठड़ा तो पुलिस थाना सदर हल्के का रहने वाला है। उसने सोशल मीडिया पे माननीय विधायक बायतू के नाम से एक पोस्ट किया था और उसकी जानकारी प्राप्त होने पर मेरे थाने से जितेंद्र हेड कांस्टेबल और उनके साथ में शंकर सिंह और सुरेश के द्वारा इस लड़के को गुजरात से दस्तियाब करके हम लेकर आए हैं। पूछताछ पर पता चला कि इसने जिस सिम का प्रयोग किया था उस सिम को तो इसने तोड़ दिया है और बाद पूछताछ के इसको गिरफ्तार किया है, जिसे कल जो है नियमानुसार माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कुछ ठोस वजह कुछ धमकी देने के पीछे? मैं ये युवा है, 20 साल का है और इसने आवेश में आकर जिस तरह से जो पिछले दिनों जो वातावरण तैयार हुआ चुनाव को लेकर, चुनाव के दौरान, तो उसी में इसने भावावेश में आकर और इस तरह की पोस्ट की थी और अब ये शर्मिंदा भी है कि इसके द्वारा ये गलत कार्य हुआ। ये प्राइवेट जॉब करता है, नौकरी करता है गुजरात में, अहमदाबाद से करीब 120-122 किलोमीटर दूर ये रहता है, वहीं से पुलिस इसको लेकर आई। सर, ऐसे युवाओं के लिए क्या अपील रहेगी? अपील यही रहेगी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की जो गलत टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि यह कानूनन अपराध भी है और यदि किसी के द्वारा इस तरह की टिप्पणी अगर की जाती है तो पुलिस उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कहीं लगता नहीं इस चुनाव में एक नया ट्रेंड चालू हो गया धमकी देने वाला? नहीं, ये तो चुनाव की बात नहीं है, कई बार भावावेश में आकर युवा जो है वो इस तरह की चीज़ कर जाते हैं। उनको मोबाइल को लेकर डूज और डोंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कई बार अवेयरनेस भी नहीं होती है और कई बार खुद की पृष्ठभूमि को या खुद को थोड़ा डेड हीरो के रूप में बताने के लिए भी लोग इस तरह का कार्य करते हैं। सभी से अनुरोध रहेगा कि इस तरह का कार्य नहीं।